मेरे ख्याल से आप जब डायलॉग बोलते हैं, योर डायलॉग डिलीवरी सो नेचुरल कि लोगों को लगता है कि ये इंसान तो एक्टिंग करता ही नहीं, ये तो लाइनें बोल रहा है बस। नहीं, आप ऐसे मजबूरी से पैसे और कम देंगे मुझे। तो उनको लग रहा है एक्टिंग कर ही रहा, मेहनत नहीं कर रहा, तो फिर पैसे क्या के और। पैसे हाँ, फिर आ जाओ, खाना वाना खा लो, चाय पी लो, जाओ। करेक्ट। मैंने एक बार, मुझे याद है जब एक्टिंग का, जब अंदर से डिजायर पैदा होना शुरू हुई थी कि यार ये कुछ फैसिनेटिंग चीज है। ये आपको तो स्कूल के दिनों से, बचपन से है नहीं कि? नहीं स्कूल से मैं बहुत शर्मीला बच्चा था। मुझे शायद मेरे स्कूल में कोई जानता भी नहीं कि मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे क्लासमेट भी नहीं जानते मुझे, रियली? मैं इतना ज्यादा शर्मीला था। हाँ, बट जब आदमी शर्मीला होता है तो उसके अंदर की दुनिया जो है वो उस में करेक्ट। चलती रहती है काफी। जब ये डिजायर पैदा होना शुरू हुई थी, तो मैंने, मुझे याद है कि टेलीविजन में कुछ एक पुरानी कुछ फिल्म आ रही थी, उसमें मैंने मोतीलाल साहब को बोलते हुए देखा था। और 5 मिनट का कुछ वो कुछ बोले थे, और 5 मिनट का सीन है वो। हाँ, मुझे याद तो नहीं उन्होंने क्या कहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला था वो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। मैंने मोतीलाल साहब की कोई बड़ी कोई पूरी फिल्म देखी नहीं है, बट लेकिन दैट वो फाइव जो वो मिनट्स दैट 5 मिनट्स, यू नो ओ दिस, वाओ, वो ऐसा मेरे दिमाग के अंदर अटका। मुझे लगा ये क्या है, ये किस तरह से इतना सहज था और इतना अट्रैक्टिव था। ये कई बार क्या होता है ना कि रियलिज्म जो है बोरिंग हो सकता है, करेक्ट तो उसकी पहली शर्त ये है कि एंगेज आप कैसे करोगे। करेक्ट। तो मेरे लिए एंगेज करना बहुत जरूरी है। अगर कई बार मुझे ओवर करना पड़े तो वो भी मैं करने को तैयार हूं, बट एंगेज करना वो बेसिक शर्त है कि सामने वाला, देखने वाला एंगेज रहे। दैट्स राइट। तो वो एक, यू नो, आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हो, अलग अलग सिचुएशन के बारे में भी सोचते हो, अपने करेक्ट। बिहेवियर के बारे में भी सोचते हो कि ऐसा करूंगा तो क्या, यू नो।